ये मकान को भी जला दिया गया है और सामान को भी लूट लिया गया है। ये देखो ये गरीब की बस्ती थी, इसमें आग लगा दी, वो भी इनका खाने पीने का राशन वगैरह वॉशिंग मशीन फ्रिज वगैरह थे इनके, ये सब जला के ना लूट के ना ले भागे। वो भी सब ये आग तो जल रही है अंदर, ये देखो ये आग जल रही है। वो तो भी यहाँ पे सब सामान रखा हुआ था, सामान सब ले भागे ये आग जल रही है अभी भी। ये देखो ये पूरा इन्होंने आला मकान को लूट लिया है। आगे आगे ये क्या टीवी है, ये क्या टीवी है, नहीं उठा ले ये नहीं तो ये लाइट बंद कर दे रहा राजू। हाँ आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देखा होगा और अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो हम आपको पूरा समझाएंगे और पूरा आपके दिमाग में बिठा देंगे पूरा। दरअसल ये वाक्य क्या है, हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ इतना बुरा अत्याचार हो रहा है, इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, इतना गलत हो रहा है कि आपको हम बता नहीं सकते। जितना दर्द आपके सीने में है उनसे कहीं ज़्यादा दर्द उनके सीने में है जिन पर ये घटनाएं गुजर रही हैं। आप उनसे पूछिए जिनके साथ ये हो रहा है कि उनके दिल पर क्या बीत रही है। ये जो वीडियो आपने देखा ये वीडियो खैरगोन गांव का है और हम आपको बता दें अशरफ हुसैन ने ट्वीट किया है, खैरगोन में विधवा सिराज भी अपनी तीन जवान बेटियों के साथ फूलों की माला बनाकर अपना घर चलाती थी। कुछ समय बाद बेटियों की शादी थी लेकिन दंगाई उनकी बेटियों के दहेज का सामान तक लूट कर ले गए, जो बचा कुचा था उसमें आग लगा दी। आप अंदाजा लगाइए कि एक विधवा सिराज भी अपनी बेटियों तीन बेटी और उनका पालन पोषण करती है फूल माला बनाकर, और उनकी कुछ दिन बाद उनकी शादी भी थी और कुछ हुड़दंगी आए और उनके घर पूरा सामान लेके चले गए, लूट ले गए और बचा कुचा था उसके घर में आग लगा दी। आप अंदाज़ा लगाइए कि मुसलमानों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है और बीजेपी सरकार मौन बनकर बैठी है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उनके घर को ढहा दिया जा रहा है, मुसलमानों के घर को। खैरगांव में इतना बुरा अत्याचार हो रहा है मुसलमानों के साथ, आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो एक छोटी सी वीडियो का जो फैक्ट था हमने आपको बताया, वीडियो काफ़ी लंबा होता है। चलिए फिर मैं आपको दूसरा वीडियो के बारे में आपको बता देता हूँ। कुछ भी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ, सिर्फ हमको तीन दिन नोटिस देने को हुए बस ना आ गए, और आए तो हमने बोला भी बुल्डोजर भी साथ में कितनी लिया है, तो हमने बोला भाई तुम क्या कर रही है, बस यहाँ आके खड़े हो गए अंगने में हमारे, तुम क्या भाई तुम ये क्या कर रहे हैं, तो क्योंकि हम तो घूड़े साफ कर रहे हैं, हम कहीं नहीं कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री का लिखा हुआ था घर पे, उस पर उन्होंने गोबर पहले लीपा, और गोबर लीपने के बाद में सब घर के आसपास बुल्डोजर लगा दिया, और मैं निकल नहीं रही थी बाहर कि मैं नहीं निकलूँगी घर में से, मेरे को भी मार डालो, मैं जाऊँगी कहाँ, मेरे को भी मारो, मैं यही मारूंगी मिन के, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। तो मेरे को खींची और लट चलाए, और रोजदार सी में ऐसे मुंह में फेस आए हमारे, मेरा छोरा भी रोजदार, मैं भी रोजदार, मैं कुछ ने उठा ली गोदी में, इसको लट मारे पीछे कमर में ना पाऊँ में। हाँ दिए थे, ये सरकार नहीं दिए थे तो हमने बनाया ये मकान, हमारी खूटी पास हुई यहाँ पर तो हमने बनाया, तो हमको किस्तू मिलती गई, हम ऐसा बनाते गए। और ये फोटो ये खींचे हुए दिख रहे नहीं, ये थोड़ा थोड़ा बनाते गए, ये खींचते भी गए और हमको खूटी भी देते गए थोड़ी थोड़ी, हम बनाते चले गए, हमको कोई ने जब कुछ रोक ही नहीं करी।
ना माँ बाप है ना कोई है, कोई नहीं वसीला है, नित्य लावारसी। अब क्या करूँ मैं, तुम्हें यही बोल रही हूँ कि जान से मत डलते, हमको ऐसे अधूरे क्यों मार के छोड़ दिए। ये बदलाव नाजायज कर रहे हैं, हमारा उधर कोई है ही नहीं काम, बहुत दूर उधर दंगा हुआ। हम थेट यहाँ आए, दंगा थेट उधर हुआ, और ये आई भी यहाँ पर तो क्या बोल रहे हैं कि हम पे पत्थर चला, इन्होंने उल्टे हमको मारे हैं। अब बहुत हो रहे अत्याचार अपनों के साथ, अपनों को अब जीने नहीं दे रहा, उनका बस यही काम है। मुसलमानों को तो बस ख़त्म कर रहा है भाई, तो ये गवर्नमेंट ऐसा करेगी अबे। आपने अब ये वीडियो देखा होगा, कितना बुरा अत्याचार हो रहा है, खुद जिनके साथ हो रहा है, खुद आप बीती बता रही हैं, उनका परिवार आपको बता रहा है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं आपको बता दूं, अशरफ हुसैन ट्वीट करते हैं कि वो कहती है, मैं रोजे से थी, मेरे घर पर प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा हुआ था। जब घर का दरवाज़ा होता है उसके साइड में पूरा चिट्ठा लिखा होता है कि भाई ये प्रधानमंत्री योजना के निवास का है, पूरा उसमें डिटेल लिखी होती है, इसमें इतनी लागत है, इतना कुछ है, इतना समय है, पूरा बाकायदा पूरा लिखा होता है, डिटेल लिखी होती है। तो लिखा हुआ था उस पर, उन्होंने गोबर लीप दिया, मुझे डंडे मारकर बाहर निकाल दिया और बुलडोजर से घर गिरा दिया। बुजुर्ग महिला हसीना खैरगोन MP मध्य प्रदेश। आप अंदाज़ा लगाइए, जो बुलडोजर यानी JCB को लेकर आए थे जो अधिकारी थे, उनको पता था कि भाई ये प्रधानमंत्री आवास योजना में ये घर बना है, और उस पर गोबर लीप दिया, ऐसे लीप दिया, यूं लीप दिया, और उस जो औरत है उस औरत को डंडे मारकर घर से बाहर निकाला और बुलडोजर उसके घर पर चला दिया। आप अंदाज़ा लगाइए कि मुसलमानों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये देश कहाँ जाएगा, ये देश की जनता क्यों नहीं समझ रही है, क्यों मौन बनकर बैठी है, क्यों आपस में भाईचारे को खराब कर रही है। जिस तरह पहला हमारा भाईचारा था, आज वो भाईचारा कहाँ चला गया है। मुसलमानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार, वो भी रमज़ान के महीने में, लोग रोजे रखते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं कि अपने जो हम पर अत्याचार हो रहा है, क्या इस तरह ही हम सहते रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। आगे भी चलिए मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक दूसरा और वीडियो। मलिक है। मलिक जी, पूरा नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल मलिक है। अब्दुल मलिक जी। किस गांव से हैं आप? मैं कुकडोल रहता हूँ। कुकडोल? हाँ, खरगोन से 10 किलोमीटर दूर कुकडोल। अच्छा, ग्राम कुकडोल। ग्राम कुकडोल, उसमें आपके गांव का, आपके मोहल्ले का नाम, टोले का नाम क्या है? बेड़ीपुरा। बेड़ीपुरा जी। तो ये क्या घटना हुई थी? हम रोजा खुलने के बाद में घर में बैठे हुए थे, तो रोजा खुलते वक्त हम जब रोजा खोल रहे थे तो कुछ लोग आए, कुछ नौजवान लौंडे थे, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। तो हम तो अकेले सिंगल करके, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी करे, हम तो हमारे घर में बैठे थे। तो फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद हुई, उसके बाद में 8-8:30 बजे, फिर उसके बाद में जो 10-15 थे, उसके बाद में 60-70 लोग आए हमारे घर के सामने। तो हमने देखा कि सभी के हाथ में पत्थर है, भाले हैं, और जैसे आके मतलब उन्होंने घर के ऊपर पथराव करा। तो मैंने मामा को अंदर लिया, ये मामा को अंदर लिया, मामा को अंदर करने के बाद में, ये आपके मामा हैं? हाँ, ये मेरे मामा हैं। अच्छा। मेरे मामा को मैंने अंदर किया, अंदर करने के बाद में मेरी जो बाइक थी, दोनों बाइक थी, उसको भी तोड़ फोड़ कर दी, घर के लाइट लगे तो वो भी तोड़ फोड़ कर दिए। जब पीछे के दरवाजे हमने मतलब जो किचन का दरवाजा था, वो पीछे वाला दरवाजा जो दरवाजे थे उसको भी तोड़ के इधर से भी अंदर आ गए, इधर से भी अंदर आ गए। पापा को ले लिए, पापा का खलबट्टा मतलब यहाँ से पूरा बाहर हो गया है, ठीक है। उसके बाद में सर हमको बोल रहा है कि आप जय श्री राम के नारे लगाओ। तो बोला हम मतलब आप हमसे मोहब्बत से बोले ना तो हम लगाएंगे, आप हमारे से ज़बरदस्ती करें। अब फिर उसके बाद में फिर बोल रहा है कि तेरी बहन के साथ रेप करेंगे, मेरी मम्मी के कपड़े फाड़े। सर, मेरी मम्मी को मैं यहाँ नहीं रख सकता था, लेकिन मेरी मम्मी को मैंने अभी घर पर भेजी है, मेरे चाचू का घर है यहाँ पर सुखपुरी के अंदर, वहाँ पर मेरी मम्मी को भेजी है। अभी वहाँ पर कपड़े चेंज करके उनकी भी MLC बनी है, पुलिस वालों ने कल नाम लिखे, उनके नाम से 15 जनों की रिपोर्ट करी है। उसके बाद में
अभी मम्मी को वहाँ पर भेजिए, मम्मी थोड़ी देर में वापस यहाँ पर आएंगे। अच्छा, पिताजी कहाँ हैं आपके? मेरे पिताजी को भी मतलब पूरे कपड़े फट गए थे, खूने खूने। मामा को 2-3 पत्थर मारे तो मामा को सर पर दस्त आके आए यहाँ पर आए। मेरे जो एक अम्मल उसके ऊपर फर्सी डस्ट की इतनी बड़ी, और हमारे घर का पूरा नुकसान कर दिया। जो जेवर आपने ये वीडियो देखा और सुना होगा, एक लड़का क्या कहता है कि मेरे मामा के सर में चोट मारी, मेरा सर फोड़ दिया, मेरा पूरा परिवार तहस नहस कर दिया, मेरी बाइक थी जो बाहर घर से बाहर खड़ी थी उनको चकनाचूर कर दिया, जो मेरे परिवार के सदस्य थे उनको मारा है, पीटा है। दरअसल मैं आपको बताऊं, ये खौरगांव का ही एक वीडियो है। इसमें ट्वीट करता है काश हजार की आबादी वाले कुंगडौल गांव खैरगोन से 8 किलोमीटर दूर में कुल 3 मुस्लिम परिवार पर मंगलवार की रात गांव के 60+ लोगों ने जबरदस्ती घर में घुसकर वह हर घिनौनी हरकत की जो इंसानियत को शर्मसार करती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि घर में घुसकर 3 मुस्लिम परिवारों पर और 60+ लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी बहन बेटियों के साथ उनके माँ बेटियों के कपड़े फाड़े हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किया है। आप अंदाज़ा लगाइए, खुद ये लड़का बता रहा है इनको मारा है पीटा है। इतना बड़ा अत्याचार तो कहीं पर भी नहीं हो सकता मुसलमानों के साथ जितना अब की बार हमको इस भारत में देखने को मिला है। ये बहुत ही बड़ा अत्याचार हो रहा है। एक आपस की लड़ाई अलग होती है, एक मतलब गांव की लड़ाई अलग होती है, एक पड़ोसी की लड़ाई अलग होती है, ये तो समाज की लड़ाई है। ये अपनी भारत देश को पता है कितना नीचा लेके जाएगी अगर इसी तरह के ये तत्व हमारे समाज में बने रहे और सरकार इन पर कड़ा कठोर कदम नहीं उठाएगी, तो ये हमारे देश को इतना नीचा ले जाएंगे, इतने गड्ढे में ले जाएंगे कि हमारा देश पता नहीं कद उजमेगा, इतना नीचे लेके चले जाएंगे। आप खुद अंदाजा लगाइए, जो बंदा खुद बोल रहा है कि मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है और फिर भी वो खुले घूम रहे हैं, फिर भी प्रशासन उन पर कोई लगाम नहीं लगा रही है, कोई अरेस्ट नहीं कर रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं कर रही, कोई उनको जेल में नहीं भेज रही है। अगर इसी तरह का अत्याचार मुसलमानों पर होता रहा, इंसानों पर होता रहा, इंसानियत पर होता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है कि आपस में कट कट कर हमको देखने वाला, वो दिन दूर नहीं है, वो जल्द ही हम देखेंगे अगर ऐसा ही होता रहा हिंदुस्तान में और सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी तो। ये खैरगांव की तस्वीरें थी, हमने आपको दिखाई। अब तो चलिए एक चौथी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आप वाकई में ये कहेंगे कि प्रशासन बिल्कुल मिला हुआ है। दे दे दे, ए, इसको 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 लो कन्हैया, लो चांटा वाला कन्हैया। छोड़ो अब इसको छोड़ दो इसको इसे, हाँ मान ना इसको ले, इधर भगा इसको, दौड़ा इसको भगा, अरे इसको पकड़ना। ये तस्वीर आपने देखी, ये पुलिस वाले होते हैं और एक दो उसमें फौज की वर्दी भी पहन रखता है। ये पुलिस वाले जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमारी रक्षा के लिए लगाए जाते हैं, जिनको हम टैक्स देते हैं और वो टैक्स से ये तनख्वाह लेते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह का व्यवहार करना अब सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि उसके दाढ़ी थी और सर पर टोपी थी। अब शम्स तरबेज कासमी ट्वीट करते हैं, वर्दी में बजरंग दल के गुंडे हैं या फिर पुलिस ही गुंडागर्दी करने लगी है। आप अंदाज़ा लगाइए
कि जिस तरह उसको पुलिस वाला यूं पकड़ता है और उसके पीछे को डंडे मारता है, खींच खींच के, कि मारो इसमें, मारो इसमें, मारो उसके मारता है, फिर दूसरे को पकड़ते हैं, फिर उसके थप्पड़ भी मारता है जो फौजी की ड्रेस पहन रखा रहता है, शायद वो फौजी नहीं है, मैं तो कहूँगा कि वो फौजी नहीं है, फौजी तो देश के लिए मर मिटते हैं, देश की जनता की रक्षा करते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये कौन सी मजहब से ताल्लुकात रखता है, वो ये देखते हैं कि बस अपना भारतीय है, ये फौजी नहीं हो सकता, ये हो सकता है कोई गुंडा है, हो सकता है इसने फौज की वर्दी पहन ली हो लेकिन गुंडागर्दी कर रहा हो। सवाल यहाँ बनता है, क्या मुसलमान के साथ हमारे भारत देश में इसी तरह का व्यवहार होता रहेगा? कहीं पर भी देख लो, जहाँ बीजेपी सरकार है वहीं पर भी इस तरह का व्यवहार हो रहा है, जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ भी इस तरह का व्यवहार हो रहा है। आखिरकार वो है कि चाकू खरबूजे पे भी गिरे या फिर खरबूजा चाकू पर गिरे, कटना तो खरबूजे को ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई सी सरकार हो, कोई सा राज हो, कोई सा प्रशासन हो, लेकिन मरना और कटना फूटना तो मुसलमान को ही है। अब सवाल ये बनता है कि मुसलमान को इस झगड़े से कैसे बचना है, इस कटाई पिटाई से कैसे बचना है, कैसे हमको आगे निकलना है, हम आपको बताएं। जिस तरह खैरगांव में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, राजस्थान करौली में अत्याचार हो रहा है, वो कहीं पर भी नहीं होगा। उनके घरों को जलाया गया है, उनके दुकानों को जलाया गया है, उनके दुकानों को फोड़ा गया है, उनके साथ अत्याचार किया गया है, उनको साथ मारपीट की गई है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उनके साथ कपड़े फाड़े गए हैं, उनके बहुत कुछ किया गया है। अगर उनकी आप बीती हम बताने लग जाएं तो आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे, आप रोने लग जाएंगे इस वीडियो को देख देख कर। उनके साथ इतना बुरा अत्याचार हुआ है, अगर आप उनके साथ अत्याचार होने से बचाना चाहते हो उनको, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको न्याय मिल सके। अब सवाल यह बनता है कि हमको सबको मुसलमान को इनसे बचना कैसे है? मैं आपको बताऊं, सिंपल सीधी सी बात है कि आप अपनी दीनी तालीम के साथ प्लस दुनियाई तालीम यानि एजुकेशन का बढ़ावा देना होगा। हमको अपना बच्चा, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, कोई भी है, तो उनको पढ़ाना होगा, उनको एजुकेशन प्राप्त करानी होगी और उनको दुनियाई तालीम देनी होगी। उनको IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, अच्छे अच्छे जितने भी सर्विस हैं उनको प्राप्त करना होगा, उनको हासिल करना होगा, तब मुसलमान आगे निकल सकता है, तब मुसलमान इनसे जीत सकता है। और आपकी क्या राय, आप मुझसे बड़े हैं, एजुकेटेड हैं, आप समझदार हैं, सामाजिक हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक DTV News चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, खुदा हाफिज, आपका दिन अच्छा हो। शादी ब्याह के लिए हर कोई सोचता है कि मैं सामान कहाँ से खरीदूं जो अच्छा भी हो और सस्ता भी हो, तो हम आपको बताते चले कि अगर आप सस्ते दामों में अच्छा सामान खरीदना चाहते हैं तो रियाज फर्नीचर सेकरी से खरीदें। हर सामान की गारंटी मिलेगी, आप एक ही दुकान से पूरा सामान खरीद सकते हैं, जैसे बेड, अलमारी, कूलर, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, सोफा सेट, शादी का पूरा सामान। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।